हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नेट ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मेरा नेट का फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल कॉटन का ही फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो इसमें एक शॉर्टन अस्तर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेज़रमेंट इसमें लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हमने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं 4.5 इंच। 36 साइज का बैक पार्ट का कटिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच। आर्म होल लिए हैं 4.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम 2 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई करेंगे। इसके बाद नीचे कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा कर लिया है, अब इसे कटिंग कर लेंगे। अस्तर पे कट करने के बाद हमने इसे मेन कपड़े पर रखकर भी कट कर लेना है। तो नीचे जो प्लेन फैब्रिक है इसे मैं अलग निकाल रही हूँ फ्लावर बनाने के लिए, और मेन कपड़े के ऊपर नेट को अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, और नेट को अस्तर के बराबर से ही हमने कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से नेट को भी कट कर लिया है मैंने अस्तर के बराबर से। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो गला मैं आपको डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पर ही बता रही हूँ। पेपर पेस्टिंग लेंगे, इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। नेक का विड्थ रखा है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच। गले की लंबाई रखी है 9 इंच। 9 से 9.5 इंच आप मार्क कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर 5 शेप देना है। तो मैंने यहाँ पर 5 शेप बना दिया है। बाहर की तरफ से 1/2 इंच पर मार्क करेंगे 1.75 इंच पर, और हल्के हल्के हाथों से देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर ये शेप दे देना है। नीचे की तरफ हमने इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लेनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो जो अंदर अस्तर पे डिज़ाइन बनेगा उसे आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, और ये डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ आएगा वी नेक वाला। तो ये जो पान गला बनाया है हमने, इसे पेपर पेस्टिंग पे कट करेंगे और इस पेपर पेस्टिंग को साइड में रख लेंगे। इसके बाद हमने बाहर वाला नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कर लेना है। तो लाइन के बराबर से इसे कट करेंगे और बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसका कटिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग पर नेक को कट करने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेना है पिन लगाकर। आप चाहें तो यहाँ पर इसे प्रेस के साथ चिपका भी सकते हैं कपड़े के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से पिन लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पेपर पेस्टिंग के ऊपर एक कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाएगा। एक सिलाई बाहर की तरफ से भी लगा देंगे। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि कपड़ा आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब फिनिशिंग के साथ हमने इसे फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। ये देखिए, मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब मैं करूँगी पेपर पेस्टिंग का सेंटर मार्किंग। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से कपड़े के यहाँ पर, और सेंटर में सीधी सीधी एक मार्किंग कर देंगे। अब हमने अपना बैक पार्ट भी लेना है। अगर आपका अस्तर का कपड़ा बहुत ही पतला होता है तो आप यहाँ पर दो लेयर भी लगा सकते हैं अस्तर के कपड़े की। बैक पार्ट का भी मैंने यहाँ पर देखिए सेंटर मार्क कर दिया है। अब हमें सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। एक रफ स्टिच लगा दिया है मैंने। इसके बाद हमने नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल किनारे किनारे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी सारा ही फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हमने पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। तो इस तरीके से पूरे नेक पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे पलट के सीधा करेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, हाथों से फिनिशिंग दे दी है फैब्रिक को और नेक को अच्छे से बैठा लिया है। इसके बाद हमने इस पर एक सिलाई लगा देनी है, तो ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर पूरा कर लिया है। अब इसके ऊपर नेक को रखेंगे और दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, तो इस तरीके से किनारे से हमें एक सिलाई लगा देनी है। अस्तर और यहाँ पर मेन कपड़े को जोड़ते हुए इस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, इसे कट करके अस्तर के बराबर से कर लेंगे। ये देखिए, बराबर से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर ऊपर का नेक कट करूँगी, तो जो बाहर की तरफ नेक आएगा उसे कट करेंगे। अच्छे से पहले हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लेना है और इसके बाद जो पेपर पेस्टिंग कट किया था नेक का, उसे इसके ऊपर रख लेंगे ताकि प्रॉपर यहाँ पर कटिंग हो जाए। पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे और इस तरीके से नेक को कट करेंगे। प्रॉपर नेक आपका यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। अब हमें लेना है अस्तर का कपड़ा। 1.25 इंच की विड्थ में आपको यहाँ पर पट्टी कट करनी है। क्रॉस पट्टी कट की है मैंने गले को बनाने के लिए। हमने इसे इस तरीके से जोड़ लेना है, तो क्रॉस पट्टी को इस तरीके से हम जोड़ते हैं। जितना ज़रूरत है नेक बनाने के लिए उतनी पट्टी यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। पट्टी को मैंने सीधी सिलाई यहाँ पर लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है सिलाई के पास में, उसे कट करके फिनिशिंग कर देंगे। अब इसे नेक पर अटैच करेंगे, तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए गले के ऊपर इसे लगाएंगे। ना ही हमने यहाँ पर नेक को खींचना है और ना ही पट्टी को खींचना है, दोनों को बराबर रखते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। और जहाँ पर गले का शेप है वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स आपको डाल देनी है ताकि गले का शेप अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये छोटे छोटे कट यहाँ पर लगाने के बाद एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस पट्टी पे फिनिशिंग तभी अच्छे से आती है जब हम इस पर प्रेस लगाते हैं। तो पूरा ब्लाउज़ को तैयार करने के बाद आप इस पर प्रेस ज़रूर लगाएं। नेट अगर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो पहले आप इस पर न्यूज़पेपर रख लें और उसके बाद प्रेस लगाएं। उसके बाद ये नेक बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। इसके बाद मैं अटैच कर रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी, तो कमर पट्टी को भी हमने इस तरीके से जोड़कर बड़ा कर लेना है। और यहाँ पर मैंने कमर में प्लेट्स भी लगा दी है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी को अटैच कर देंगे। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो देखिए, ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्लावर तैयार करूँगी इस कपड़े के नीचे से, जो प्लेन फैब्रिक निकला था उसी से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चौकोर पीसेस कट कर लिए हैं कपड़े के। लंबाई चौड़ाई इसकी 3 इंच की है। इसे ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद आपको नीचे से गोलाई देते हुए इसे कट करना है और सुई धागे की मदद से इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो गोल पैटर्न भी कटिंग करके रख सकते हैं और इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएं और सुई धागे से स्टिच करते जाएं। एक फ्लावर बनाने के लिए टोटल 6 पीसेस मैंने यहाँ पर कपड़े के लिए हुए हैं। सभी पैटर्न्स को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है सुई धागे से। अब एक तरफ से सुई को निकाल देंगे धागे को कट करके, अच्छे से इसे हल्का हल्का टाइट करते हुए नॉट लगा देंगे। इसके बीच में आप कोई भी बटन अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो ये फ्लावर मेरा बनके रेडी हो गया है।
तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।